मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से हूँ सर। हमारा यहाँ आज जमा होने का एक मकसद है कि हमने 2016 में फॉरम भरे हिस्टोरिक कल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू, तो जब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी आए, उन्होंने यहाँ पे चिनानी नाश्ती का टनल जो है वो इनाग्रेट किया कश्मीर के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर के युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि आप इसको टूरिज्म को चूज़ करें। तो हमने टूरिज़्म चूज़ किया, तो हम इस वक्त हाई क्वालिफाइड लड़के हैं, मैक्सिमम ग्रेजुएट्स हैं, 10+2 हैं। तो हमने फिर इस फॉर्म में अप्लाई किया, जब ये नोटिफिकेशन आई तो हमने अप्लाई किया, तो उसके बाद हमारी ट्रेनिंग हो गई, बाज़ाब्ता एक लीगल प्रोसीजर अप्लाई हुआ हम पे, तो हमने हमारी सिलेक्शन हो गई, हमने छः महीने की ट्रेनिंग हासिल कर थी। तो उसके बाद हमारा फाइनेंस कॉन्फ्रेंस किया तब गवर्नमेंट ने, तो कहा कि आप लोगों को फास्ट ट्रैक बुनियादों पे ये डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब किया जाएगा। लेकिन आज तक हम ऐसे के तैसे, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे पास कोई सहारा नहीं है। और इस वक्त हम में से जो भी 1300 के लड़के हैं, 1300 के 1300 समझो ओवर एज हो चुके हैं, न किसी जगह फॉर्म भर सकते हैं, तो हमारे पास कोई सहारा नहीं रहा। लिहाजा करके हम हाथ दो जोड़ कर गवर्नर इंतजामिया से अपील करना चाहते हैं कि हमारा ये मसला हल करें, हमारे साथ इंसाफ करें। सर, मेरा नाम है एजाज अहमद परे, मैं डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से, एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बड़गाम। जो हमारा मसला है, 2016 में यहाँ सेंटर ने एक स्कीम यहाँ पे लॉन्च किया है, और जिस स्कीम का नाम था लैंडस्केप प्लस गार्डनर वर्कर। उस वक्त हमने 25,000 के नौजवानों ने उसमें शमूलियत किया, लेकिन ओवरऑल उसमें 1300 लड़के क्वालिफाई हुए हैं, जिनका फाइनेंस कंकेंस भी हुआ था तो 35,000, और उसमें जो हमारा सैलरी भी बना था 600-850, लेकिन अभी तक हमारे जो ऑर्डर थे वो पेंडिंग है। और हम इससे पहले सतपाल मलिक से भी मिले थे, उन्होंने हमें उस टाइम उन्होंने हमें इस बात का भी यकीन दिलाया जो आपका ऑर्डर है वो विद इन 10 डेज में आपका ऑर्डर इश्यू होगा, लेकिन अभी तक हमारा ऑर्डर पेंडिंग है। हम गवर्नर इंतजामिया से अपील करना चाहता हूँ, जो हमारे मसला है फुल हल किया जाएगा, ताकि हम सड़कों पर बार बार ना आ सके। इसलिए हम आपके वसायत से, आपके मीडिया के वसायत, हमारे बात है यह अथॉरिटी तक पहुँचना चाहिए, जो हमारे मसला है ये फुल हल किया जाएगा।